बाद लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान बीरमो विधायक अनूप सिंह, झरिया विधायक पूर्णिमा नरस सिंह समेत इंडिया अलायंस के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा हुई जिसमें सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत इंडिया अलायंस के बड़े नेता शामिल हुए हैं। और धनबाद की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, हमारे बुजुर्गों का, व्यवसाय रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स का, यहाँ पे रहने वाले सरकारी कर्मचारियों का, यहाँ पे रहने वाले महिलाओं का, बच्चों का, सबका आशीर्वाद मिलेगा। लिख के ले लीजिए, मैं फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और हमारा फेडरेशन जो है वो कोल इंडिया के सर्वे के अनुसार 7 साल बाहर बैठने के बाद भी 48,000 मेंबर्स हमारे साथ हैं। किनके साथ कौन मजदूर हैं वो मुझे नहीं कहना है, सभी मजदूर मेरे हैं, मैं इतना जानता हूँ। उनके मजदूर मजदूर हो सकते हैं, मेरे मजदूर मजदूर नहीं हो सकते, लेकिन हमारे जो राजेंद्र बाबू ने सिखाया है, चाहे वो मासेज हो, चाहे HMS हो, चाहे C2 हो, चाहे ATEC हो, चाहे BMS हो, झारखंड का मजदूर हो या हिंदुस्तान का मजदूर हो या धनबाद का मजदूर हो, वो कोल इंडिया का मजदूर है। और हम सभी श्रमिकों नेताओं का फर्ज बनता है कि सभी मजदूरों को एक तराजू में तोले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।